प्रोग्राम था और आपने काफी अच्छे प्रयास किया, और आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जहाँ भी वो हिंसा देख रही हो, चुप ना बैठे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, करे उठाए और उसके खिलाफ अपना अभियान शुरू करें और बैल बचाओ में योगदान दें। आपने कहा कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैला करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट और बॉडीज हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी आप तालमेल बिठाना चाहेंगे? बिल्कुल, जब जब गवर्नमेंट भी अपना साथ देगी ना, हम तो आम जनता है, जनता इतनी दूर तक भी अपना प्रयास ले जा सकती है। अगर गवर्नमेंट साथ देगी तो सोचिए, जो हमने हम कहते हैं कि आज बैल बचाओ 130 मिलियन लोगों तक पहुँच पाई है, गवर्नमेंट ने उसका साथ दिया है। अगर हमारे हम एक एनजीओ है, हम कितने हद तक अपना मुहिम चला सकते हैं, अगर गवर्नमेंट साथ दिया तो हम कितनी और दूर इसको ले जा सकते हैं, आप ही सोचिए। रूरल एरिया मीडिया साथ दे तो हम और भी दूर ले जा सकते हैं। रूरल एरिया की महिला अभी तक दबी कुचली रही है, इसे हमेशा दबा कर रखा गया है, तो आप कितना विश्वास दिला पाएंगे कि आपके पास आने से उसको सहायता मिलेगी? एक तो मैं ये विचार बदलना चाहती हूँ कि जो रूरल महिला है वो बिल्कुल इतनी दबी हुई है कि वो आवाज़ नहीं उठा सकती है। हम जब जाते हैं बाहर कम्युनिटी में तो हम देखते हैं कि जो महिला दबी हुई कि जब भी ब्रेक जहाँ गांव में और छोटे कस्बों में अपना मुहिम ले गए हैं, वहाँ पे औरतें बाहर आई है, खुल के बाहर आई है। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ दबी हुई है, शहर की महिलाओं से कम उनको अधिकार का ज्ञान है। उनको अगर आप रीच करें, उनको आप अपना अभियान में जोड़ें, तो उतने जोर से साथ दें, ऐसा पहले मैं कहना चाहूँगी। दूसरी बात है कि हम इस वैन को सब जगह ले जाना चाहते हैं, शहरों में, गांव में, कस्बों में, क्योंकि ये विचार है कि जहाँ भी हम औरतों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, औरतें भी नहीं पुरुषों को जोड़ सकते हैं इस अभियान में, वहाँ हमारी जो सक्सेस रही है वो ज़्यादा रही है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, हम इन शहरों में अपना काम कराना चाहते हैं। थैंक यू।